वक्त का ख्याल रखें क्योंकि जुमे का भी दिन है, बहुत जल्द प्रोग्राम इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। जितने बावकार है 26 जनवरी, जितने बावकार है 26 जनवरी, एक वजह इफ्तिखार है 26 जनवरी। आईन हिंद का था इसी दिन हुआ निफाज, उस दिन की यादगार है 26 जनवरी। सर आलू लखा जनाब प्रिंसिपल साहब, मास्टर असाता इकराम, तलबा व तालिबात, अस्सलाम। इसका तसव्वुर हमारे दिलों को फर्म पे इंतजाम से भर देता है। 1857 की दंगी आज़ादी से लेकर 1947 की योम आज़ादी तक इस मुल्क को अंग्रेजों के नापाक तसल्लुत से आज़ाद कराने के लिए बिना तफरीक मजहब व मिल्लत तमाम बाशिंदगान ने हिंद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, भाइयों को बराबर का हुकूक दे रहा था। हिंदुस्तान के मकसद आज़ादी की मुकम्मल तौर RBHA हो या नेशनल हेल्थ मिशन हो, इन तमाम स्कीमों के जरिए मुल्क के हर शहरी को सेहतमंद रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लाख कोशिशों और काविशों के बावजूद भी अदल इंसाफ का तराजू जातपात और मजहबी नस्ल भेदभाव के नाम पर झुकता चला जा रहा है। हर साल आलमी सतह पर मजाही का इनकार करने वाले, G20 की मेजबानी करने वाले और गरीब ममालिक के इमदाद पर लाखों खर्च करने वाले मुल्क में आज भी बहुत से लोग भूख से तड़प रहे हैं। चंद्रयान के जरिए खला में अपनी हुकूमत काम करने वाले इस मुल्क में आज भी बहुत से अफराद खुले आसमान तले सर्द मौसम में बिछोने पर मजबूर है। हालांकि जब 26 जनवरी 1950 को इस मुल्क में कानून नाफिज कर दिया गया था, उसका मतलब यह था कि अब हुकूमत आवाम की होगी, आवाम के जरिए होगी और आवाम के लिए होगी। और उस दिन आज के दिन को हम लोग जश्न के तौर पर इधर स्टूडेंट दबा बंदी है।